लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सपाटा न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यूएन की मंजूरी लिए बिना सीरिया पर अटैक, अमेरिका की दादागिरी। नमस्कार दोस्तों, सपाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है। सीरिया पर मिसाइल हमला करके अमेरिका ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी दादागिरी दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी लिए बिना ही सीरिया पर यह बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की गई है। सीरिया पर केमिकल हमले के जवाब में अमेरिका की इस कार्रवाई में फ्रांस और ब्रिटेन भी उसका साथ दे रहे हैं। वहीं ईरान ने सीरिया पर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। इसके अलावा रूस ने सीरिया पर किए गए हमले को लेकर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को परिणाम भुगतने की कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही सीरिया में केमिकल हमले के आरोपों को झूठ बताया है। वहीं फ्रांस ने सीरिया पर की गई इस कार्रवाई को सही ठहराया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ली ड्रियन ने इस सैन्य कार्रवाई को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि सीरिया को केमिकल हथियार इस्तेमाल करने से रोकने की राजनयिक कोशिशों पर रूस बार बार अड़ंगा लगा रहा था, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना इस सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सीरिया साल 2013 में रिजोल्यूशन 2118 के तहत अपने केमिकल हथियारों को नष्ट करने को सहमत हुआ था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन है। फ्रांस ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सीरिया के खिलाफ कार्रवाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सीरिया को लेकर फ्रांस का इतना कड़ा रुख केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के बाद आया है। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारे पेज सपाटा न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।